महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना ने राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देव हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं सर झुकाकर माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री के इस माफी पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने कंडीशनल माफी मांगी है, माफी से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नेवी को सवालों में घेरे में खड़ा किया गया है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। चौहान ने आगे कहा, इस पूरे मामले में भाई भतीजावाद हुआ है। मुख्यमंत्री के करीबी मूर्ति निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। प्रधानमंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सवाकार की तुलना ना हो। नौसिखियों को पुतला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, चुनाव की जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई थी। प्रधानमंत्री ने प्रचार के लिए मूर्ति बनाई गई और पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार था, कई मंजूरी भी नहीं ली गई। शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, चुनाव की जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई थी, प्रधानमंत्री के प्रचार में मूर्ति बनाई गई और पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार था, कई मंजूरी भी नहीं ली गई। खुद को निशोध साबित करने के लिए नौसेना पर दोष मढ़ा जा रहा है, ये माफी महज राजनीतिक हताश का नतीजा है। शिवसेना यूपीटी में प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में 13 करोड़ लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ी, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे देश में 140 करोड़ लोगों की बात है। आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं, उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है,
इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है।